गुड मॉर्निंग ऑल डियर फ्रेंड्स, जितने भी न्यू यूज़र हैं, न्यू मेंबर हैं और जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो, सबको मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग। गुलाब आपका फिर से GNA कलेक्शन में वेलकम करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताने वाले हूं 50 रुपये की विदाउट झंडे वाली नोट, विदाउट फ्लैग जिसको बोलते हैं, जिसके ऊपर जो इंडिया का फर्स्ट इशू नोट है, यानी आज़ादी के बाद जो हमारा 50 रुपया जिस पैटर्न में इशू हुआ, वो मैं नोट के बारे में आपको सही जानकारी दूंगा दोस्तों। तो इसमें अब मैं ये आपको ये वीडियो ये आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये देखो आप दोस्तों, ये आप देखो, इसके पीछे जो पार्लियामेंट है उसके पीछे में फ्लैग नहीं होता है दोस्तों, और इसका वाइट होता है पेपर, वाइट इशू होते हैं दोस्तों। इसमें 4 इशू गवर्नमेंट ने इशू किए, ये दूसरा सेकंड इशू मैं आपको दिखा रहा हूँ। फर्स्ट इशू पे इस पे सिग्नेचर है एस जगन्नाथन, सेकंड इशू KR पुरी, थर्ड इशू M नरसिम्हा और फोर्थ इशू IG पटेल। IG पटेल के बाद में ये पैटर्न ख़त्म हो के दूसरा पैटर्न आया, जो मैं आपको अगले वीडियो में उसकी जानकारी दूंगा दोस्तों। इसमें अब इसकी वैल्यू बताते हैं, इसकी रियल वैल्यू क्या है दोस्तों। इसकी कॉमन नोट IG पटेल आते हैं, उसके बाद में इसमें सबसे रेयर नोट आते हैं M नरसिम्हा, उसके बाद इस जगन्नाथन, उसके बाद KR पुरी और लास्ट में IG पटेल। दोस्तों, इस चारों की वैल्यू क्या है इस कंडीशन में, जो मैं आपको नोट दिखा रहा हूँ इसी कंडीशन में बताऊँगा। हल्के कंडीशन होने पे इसकी प्राइस हल्की होती है, उसके कलेक्टर कम होते हैं दोस्तों। तो मैं अब आप इसकी वैल्यू बताता हूँ दोस्तों। इसका इस जगन्नाथन का वैल्यू का इस नोट में कंडीशन प्राइस होता है 300 से 400 रुपीज़ ईच। इसको मैं बाइंग करता हूँ एज ए कलेक्शन पर्पस, ये कंडीशन होने पे 300 मैक्सिमम वैल्यू है, 400 कोई जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वही कलेक्टर लेते हैं दोस्तों। और इसका M नरसिम्हा का जो नोट, सॉरी ये दूसरा इशू है KR पुरी, इसकी वैल्यू दोस्तों 150 से 200 रुपये के बीच में इसकी वैल्यू होती है दोस्तों। 100 से 150, 200 मैक्सिमम, लेकिन आपको अगर मुझे सेल करना है तो 150 तक आपको मैं मुझे सेल कर सकते हैं, 170 भी अकॉर्डिंग टू ये कंडीशन होने। अगर इससे भी बेस्ट कंडीशन हुआ तो 200 इच में बाइंग करूँगा। अब थर्ड इशू आता है M नरसिम्हा, इसका सबसे रेयर इशू नोट है, उसकी प्राइस है 400 से 500 रुपये इच इस कंडीशन में। करेंसी UNC नोट जिसको बोलते हैं अनसर्कुलेटेड, यूज नेट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो कम की होती है, लेकिन UNC में ही इसकी वैल्यू अच्छी होती है दोस्तों। अब आते हैं IG पटेल के नोट। IG पटेल की नोट की वैल्यू होती है दोस्तों ओनली 100 रुपीज़ होती है, कंडीशन ये होना चाहिए 100, 100 और 20, जिसका सिग्नेचर IG पटेल होते हैं, जो सबसे कॉमन है और लास्ट इशू इस पैटर्न का नोट है दोस्तों। अब इसकी गड्डियों की बात करते हैं। अगर IG पटेल के पास 100 पीस आपका सीरियल गड्डी हो तो मैं 12,000 में बाइंग करूंगा, KR पुरी हो तो मैं 15,000 में बाइंग करूंगा, M नरसिम्हा हो तो मैं 50,000 में बाइंग करूंगा, इस जगन्नाथ हो तो 40,000 में इसकी बंडल बाइंग करूंगा, सीरियल होना चाहिए दोस्तों। अब इसका अगर नंबर फैंसी हुआ तो नंबर के हिसाब से वो पता है, अगर इस ये सपोज ये IG पटेल का नोट है और नंबर एक ही जैसा हुआ तो उसकी कीमत 3,000 हो जाती है। उसी तरह जो जो जितना रेयर है उसके फैंसी नंबर की वैल्यू उसी तरह बढ़ती है दोस्तों। और इसमें अगर मिसप्रिंट हुआ बहुत तो आता नहीं है, बाई मिस्टेक भी हुआ तो एक नोट की कीमत 3,000 से 4,000, 5,000 रुपये तक की मिसप्रिंट की नोट होती है दोस्तों। और ये बहुत कम मिसप्रिंट इस नोट में हुआ है, इसके लिए बहुत कम चांसेज हैं, लेकिन फैंसी नंबर आपको मिल जाएंगे जैसे All 1, All 2, All 3, All 4 से 9 तक, और 7786 हुआ तो इसकी कीमत 6,000 है। तो रेयरिटी के हिसाब से इसमें जो फैंसी नंबर होगा उसकी वैल्यू होगा। सपोज M नरसिम्हा में अगर इसकी फैंसी नंबर आ गया तो एक नोट की कीमत 4,000 हो जाएगी, 7786 हुआ था 5,000 से 7,000 तक की इसकी नोट की वैल्यू होती है दोस्तों। तो ये इंडिया का ये पहला इशू पैटर्न नोट है जिससे 4 गवर्नर में साइन हुए थे दोस्तों। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। हमारे चैनल से आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि लोगों को सही जानकारी पहुँच सके दोस्तों। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। GNA कलेक्शन की तरफ से आप सबके न्यू यूजर और न्यू मेंबर का धन्यवाद।